हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 years। What are their present age? यहाँ पर दो लड़के हैं, राहुल एंड हरुण करके, उनका जो एज है ना वो रेशियो फॉर्म में गिवन है। तो राहुल पहले दिया गया है तो हम उसका 5 लेंगे और हरुण 7 है तो उसका हम 7 लेंगे। जैसे कि यहाँ पर रेशियो फॉर्म में दिया गया है तो हम डायरेक्टली ऐसे 5 और 7 लेके हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमको लेट करना होगा। राहुल के लिए 5x एंड हरुण के लिए 7x, करेक्ट। स्टार्ट करते हैं। हरुण लेट राहुल एंड हरुण एज will be 5x and 7x respectively। देखो मैं respectively लगा दिया ना, तो 5x राहुल के लिए, 7x हरुण के लिए। अब हरुण के लिए 5x और राहुल के लिए 7x नहीं ले सकते, ठीक है। जो फर्स्ट में आएगा वो फर्स्ट, जो सेकंड में आएगा उसका सेकंड नंबर आपको लेना है, ओके। तो इसको हम लेंगे लेटर 4 years later, मतलब 4 साल के बाद उनका जो एज होगा वो 56 years, मतलब उनका जो एडिशन होगा, सम ऑफ एज जो होगा ना वो 56 होगा। तो हम इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो आफ्टर 4 years मतलब वो ये 5x कितना होगा, राहुल एज लिख देते हैं। राहुल एज आफ्टर, पहले लिख देंगे आफ्टर 4 years, क्योंकि दोनों में 4 years लेटर लिखा है। After 4 years, राहुल एज, ये तो हो गया प्रेजेंट एज ना, तो आफ्टर 4 years, 4 years 5x + 4 इतना ईयर होगा राहुल का, करेक्ट। नेक्स्ट आफ्टर 4 years, ये जो डॉटेड साइन में दे रही हूं ना वो डू, मतलब आफ्टर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मैं नहीं लिख के ऐसे मार्किंग कर रही हूं बस। हरुण, क्योंकि नाम चेंज हो गया तो इसे यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा, एज सेम टू सेम रहेगा। तो 7x हमारा प्रेजेंट एज था, आफ्टर 4 years कितना होगा, 4 हो जाएगा, करेक्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमको सॉल्व करना है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एज, मतलब ये पोर्शन को हमको सम करना है, एड करना है। Therefore, 5x + 4 + 7x + 4। देखो ये जो सम है ना, ये इस सम है, मतलब हम ऐड कर रहे हैं, ओके। तो ये हो गया राहुल का एज, ये हो गया आफ्टर 4 years राहुल का एज, आफ्टर 4 years हरुण का एज, दोनों का एडिशन हमारा कितना दे रहा है, 56। हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म। अभी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 5x 7x 12x + 4 + 4 8 = 56 एंड 12x = 56 - 8 कितना, 48। नेक्स्ट 12x = 48, x = कितना, 48 / 12 कितना आ जाएगा, 4, x आ गया 4, देन हमको यहां पर हम कर देंगे, x आ गया 4। तो x हम क्यों लिए थे, क्योंकि हम लेट करके लिए थे, ऐसे डायरेक्टली 5 और 7 नहीं ले सकते ना। तो अभी वेरिएबल हमारा आ गया तो हम 5x + 4, सॉरी हमको पूछा गया है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, पहले लिख देंगे राहुल एज = कितना, 5x, क्योंकि प्रेजेंट एज 5x उसका हम लिए थे, तो 5 * 4
जो कि 20 ईयर्स एंड ये कितना हरुण, हरुण एज 7x, 7 × 4 जो कि 28 ईयर्स, ओके। तो प्रेजेंट एज आर 20 एंड 28 ईयर्स करके आपको लिखना है, फाइनल आंसर ये, ठीक है। देयर एज आर दिस एंड दिस करके आप फाइनली लिख भी सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5, द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो फॉर्म दिया गया है, ओके। तो एंड बोला गया है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो पहले हमको क्या करना है, रेशियो फॉर्म में दिया गया है मतलब देखो फर्स्ट नंबर 7 है तो फर्स्ट बॉयज है, द नंबर ऑफ बॉयज फर्स्ट है तो 7 हम बॉयज के लिए लेंगे, 5 हम गर्ल्स के लिए लेंगे। मैं पहले भी आपको बोली थी जो नंबर या जो पर्सन पहले रहेंगे उसको हम पहला वाला नंबर दे देंगे, तो लिख देते हैं बॉयज एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 7:5, तो बॉयज इज इक्वल टू कितना होगा, हमको तो लेट करना है ना, क्यों डायरेक्टली हम 7 नहीं ले सकते, उसको लेट करके 7x एंड गर्ल्स इज इक्वल टू 5x, उसके बाद हम सॉल्व करने के बाद x निकलेगा और हमको पूरा पर्टिकुलर पता चल जाएगा बॉयज का कितना स्ट्रेंथ है और गर्ल्स का कितना है। तो नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर क्या बोला है, तो आपको जो इक्वेशन फॉर्म करना है 7x - 5x = 8, ओके। आपका बॉयज का नंबर 8 ज्यादा है गर्ल्स का नंबर से, तो आपको क्या करना है, ये जो अगर हम इसी में से माइनस कर देंगे तो ये 8 नंबर हमको आएगा, अदरवाइज आप 7x + 8 = गर्ल्स का नंबर ऐसे आप लिख सकते हो। तो पर मुझे चाहिए इसको सॉल्व करना, x चाहिए देखो, और x आ गया हमारा कितना 8/2 जो कि 4, x तो 4 आ गया, तो बॉयज कितना 7x 7 × 4 28, गर्ल्स कितना 5x 5 × 4 जो कि 20, ओके आ रहा है 8 नंबर ज्यादा गर्ल्स से, बॉयज का नंबर 8 ज्यादा है आ गया, ओके। नेक्स्ट हमको पूछा गया है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, देयरफॉर टोटल क्लास स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स जो कि 28 + 20 कितना आ जाएगा 8 and 4 48, फाइनल आंसर हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। यहाँ पर तीन पर्सन है, तो एक तो सन है, फादर है एंड ग्रैंडफादर है, सन फादर ग्रैंडफादर ऐसे सीरियली लिख देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम अगर फादर को एक्स लेंगे, क्यों ले रहे लेंगे एक्स फादर को, वही मैं आपको बोल देती हूँ, बाईचुंग्स फादर, ठीक है, बाईचुंग्स फादर, ये जो सन है ना ये बाईचुंग है, उसका नाम बाईचुंग, ओके। बाईचुंग्स फादर इज 26 यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर से ये जो फादर है ना वो 26
कम है, मतलब ग्रैंडफादर उनका ज्यादा, ग्रैंडफादर का एज फादर के एज से ज्यादा होगा ना, तो x प्लस 26 अगर हम लिखेंगे तो 26 एज कम होगा फादर का, ग्रैंडफादर का x कितने भी हम लेंगे उसके साथ 26 अगर ऐड करेंगे तो ग्रैंडफादर का एज होगा, क्योंकि वो फादर की फादर है। नेक्स्ट आएगा बाईचुंग, बाईचुंग नेक्स्ट बोला है 29 इयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, ग्रैंड बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ओल्डर देन बाईचुंग। ये जो बाईचुंग है ना 29 x - 29 करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू जो भी हो उससे अगर हम 29 माइनस करेंगे, 29 माइनस करेंगे जाके उन फादर से वो 29 एज कम होगा, मतलब सन का एज 29 ज्यादा है फादर के, सॉरी फादर का एज सन से 29 एज ज्यादा है, वही आपको समझना है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा पर आप बार बार इसको मतलब समझने के लिए कोशिश कीजिए कि किसको हम लेट कर रहे हैं एक्स। ठीक है, आप अगर एक्स फादर को, फादर के बारे में ज्यादा बोला गया कि ये जो फादर है ग्रैंडफादर से 26 इयर्स यंगर है, मतलब छोटे हैं, छोटे हैं मतलब ग्रैंडफादर का एज कितना होगा 26 ज्यादा होगा, जो अगर हम एक्स लिए तो एक्स के साथ 26 ऐड कर देंगे तो ग्रैंडफादर आ जाएंगे। ओके, तो ये 29 माइनस करेंगे फादर से तो सन का एज आ जाएगा, पर क्वेश्चन में ये बोला गया है ये एंड ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो 135 इयर्स होना चाहिए, लिख देंगे इक्वेशन। अभी आपको कंफ्यूजन कुछ भी ना मतलब नहीं होगा शायद, पहले लिख देंगे x माइनस 29 प्लस ये फादर का एज x, x प्लस 26, क्योंकि ये जो x है ना इनको x लेने के बाद ही जाके ये सब इनका एज आएगा। देखो x माइनस 29 को अभी हम इसको इक्वल करेंगे 135 के साथ, और 3x और माइनस 29 और 26, 29 बड़ा है तो 3 आ जाएगा इक्वल टू 135। नेक्स्ट 3x इक्वल टू 135 प्लस 3, क्योंकि हम कांस्टेंट को राइट पे ले रहे हैं और वो पॉजिटिव साइन लेके जाएगा, फाइनली 3x इक्वल टू 138 एंड x कितना आएगा मल्टीप्लाई होके है तो वो, इसको कट करते हैं डिवीजन पे आ गया, 3 4 12 एंड 1 बचा 3 6 18, तो 46 आ गया x, मतलब फादर का एज अभी पता चल जाए, पल चल गया कि 46 एज है x, करेक्ट। नेक्स्ट फादर एज इज इक्वल टू x, वो कितना निकला हमारा 46 यस। नेक्स्ट ग्रैंडफादर्स एज कितना x प्लस 26, इनसे मतलब फादर की एज से वो 26 बड़े हैं, मतलब 26 ज्यादा है तो 46 प्लस 26 कितना 72, ठीक है इयर्स। नेक्स्ट सन सेज, सॉरी बाईचुंग सेज इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।